नाम है तुम्हारा? सर राज। रॉजर सर, हिज नेम इज रॉजर। हेलो मिस्टर ओबेरॉय, आप तो इसी हैरत में होंगे कि मैं रॉजर से राज कैसे बना। हैरत नहीं, यकीन हो गया कि तुम्हारी औकात अब भी वही है। मैं यहां अपनी औकात दिखाने नहीं, आपको अपना इरादा बताने आया हूं। तुम्हें समझाया था कि मेरी बेटी की जिंदगी से चले जाओ, वरना। सुनी थी आपकी वो धमकी। जिया की जिंदगी से आप मुझे दो बार निकाल चुके हैं, एक बार बचपन में और एक बार कल। आप मुझे अपने घर से तो निकाल सकते हैं, मगर जिया की जिंदगी से नहीं। जिया तुम्हारी किस्मत में नहीं है। किस्मत आप नहीं लिखते हो बुराई साहब, जिसने मेरी किस्मत लिखी है वो मुझे हमेशा विश्वास दिलाता रहा है कि जिया मेरी है, सिर्फ मेरी है। आप अपनी सारी ताकत लगा ले, अपना हर हथियार इस्तेमाल कर ले, मैं जिया को वापस लेकर जाऊंगा। गुड बाय मिस्टर ओबेरॉय। You have betrayed my trust, Mrs. Smith. धोखा दिया है मुझे। कितना भरोसा था मुझे आप पर। अपनी बेटी सौंपती थी मैंने आपके हाथों में। I'm sorry if you feel that I betrayed you, sir. पर ये सब हम किसके लिए किया? जिया का खुशी के लिए। Who the hell are you? आप होती कौन है ये फैसला करने वाले कि मेरी बेटी किस तरह खुश रहेगी? मैं तो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं करना चाहिए। Even God doesn't like it. Mrs. Smith, आप जिया के बचपन से हमारे यहाँ एक फैमिली मेंबर की तरह रही हैं। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। बस इतना कहूंगा कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं। You're fired, Mrs. Smith. As you wish. Will you excuse me? This boy is causing a lot of problems to my family. He's constantly hassling my daughter. किस किस्म की परेशानियां पैदा कर रहा है ये लड़का? ये इंडिया से यहां आया है। मेरी बेटी, देखिए मैं नहीं चाहता कि इसका साया भी मेरी बेटी पे पड़े। ये इश्क का मामला है? जी नहीं, बहका रहा है मेरी बेटी को ये। फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि। ऑफिसर, मैं बस इतना चाहता हूं कि वो उल्टे पैर इंडिया वापस लौट जाए। पैर सही सलामत रहेंगे तो पैरों से जाएगा, मैं इंतजाम करता हूं। थैंक यू। थैंक यू। You're right, and we need to do it as soon as possible because we are running out of time. Enjoy the party. Yes, thank you. चलिए, अभी दूसरी पार्टी में ले चलता हूँ, पुलिस स्टेशन। क्यों? अब कौन सा कानून तोड़ा है मैंने? इस मुल्क में आकर यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हो। एक बाप अपनी बेटी को लेकर तुम्हारी वजह से परेशान है और वो हमारे पास मदद मांगने आया है, और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। आई नो यू वर्किंग फॉर माई फादर। मिस, आई एम वर्किंग फॉर माई गवर्नमेंट। मैं कह रही हूँ मैं अपनी मर्जी से राज के साथ हूँ। यू गिव योर स्टेटमेंट लेटर व्हेन आई कॉल यू फॉर इट। फिलहाल मैं इन्हें पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूं। राज, कम ऑन, मूव, कम ऑन, गेट इनसाइड, मूव। राज, राज।
राज, राज, जिया खाना नहीं खाएगी? आप पूछ लीजिए उससे। है कहाँ जिया? अपने कमरे में होगी। जिया कमान कमान, आओ खाना खाए, लेट्स ईट। What the hell is this? ये क्या बदतमीजी है? आप जिसे बदतमीजी कह रहे हैं वो मेरे लिए प्यार है। राज मेरे दिल में है, मेरी सांसों में है। मैं उसे अपनी दुनिया में बसा चुकी हूं। मैं जब भी खुद को आईने में देखती हूं अपनी सूरत में राज की सूरत नजर आती है। Shut up! तुम क्या समझती हो ऐसी बेहुदा हरकत से तुम राज को पालोगे? और आप सोचते हैं कि राज को पुलिस के हवाले करके मुझसे दूर कर सकेंगे? प्यारी, राज को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। मुझसे इस तरह बात करोगी अब? और आप जिस तरह चाहें मेरी जिंदगी से खेलेंगे? मैं तुम्हारी भलाई सोचता हूं। आप सिर्फ अपनी ईगो के बारे में सोचते हैं। अगर मेरे लिए सोचते तो राज को गले से लगाते, उसे सलाखों के पीछे नहीं भेजते। यू वर नेवर अ गुड फ्रेंड और अ गुड हस्बैंड एंड नेवर अ गुड फादर। Sit down, Dad. If you hit me, I will call the police. तो तुम मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करोगे? Fantastic. No, because I'm a good daughter. Get up. What do you want? Come on, get up. But why? The officer wants to see you. Come on. Move. कहिए मियां मजनू, तुम्हारी किस्मत बड़ी खराब है, आज फिर मेरे हाथों लग गए। क्या करेंगे आप? हाथ पैर तोड़ेंगे? वापस जाने पर मजबूर करेंगे? मैं क्या करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकते साले। लुक हियर ऑफिसर, माइंड योर लैंग्वेज, गाली मत दीजिए। साला गाली लगती है तो फिर अपनी बहन फिरदौस की शादी मेरे साथ क्यों होने दी? क्या मतलब? मतलब ये कि फिरदौस ने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। हुआ यूं कि